weather. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू गाइस आर गुड फाइन हैप्पी एंड हेल्दी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, बस मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, आपको मेरी वॉइस से अंदाज़ा हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक्सक्यूज़ कर लूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं भी बाइक पर हूँ और बाइक पर मैंने किस तरह वीडियो शूट की मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ। अब जब मैं आकर ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मैंने कितनी ख़राब वीडियो शूट की है। एनीवेज, तो अभी हम लोग जा रहे हैं तारिक रोड वाले डॉल्फिन मॉल, और ये वाला जो क्लिप है मैंने थोड़ी दिनों पहले रिकॉर्ड किया था अपने बर्थडे पर, और यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं डॉल्फिन मॉल पे, और बहुत ही प्यारी डेकोरेशन की हुई थी 25 दिसंबर की वजह से, क्योंकि क्रिसमस भी होता है और साथ में कादिर की बर्थडे भी होती है। तो बाय द वे ये मेरी फ्रेंड्स का आइडिया था, मेरा आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पर आपको इस क्लिप में मेरे हस्बैंड भी नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि फिर क्लास के बाद मैंने उन्हें कॉल कर दी थी तो फिर वो भी आ गए थे, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स कह रही थी कि भाई को भी बुला लो। तो अभी हम लोग आ गए हैं डॉल्फिन मॉल के फूड कोर्ट में, और यहाँ पर भी मुझसे वीडियो बिल्कुल भी सही नहीं बनी। पता नहीं मैं किस जोन में थी, मैंने किस तरह कैमरा पकड़ा हुआ था जो मैं वीडियो बना रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और अभी यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं ऊपर। हस्बैंड एक्चुअली यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए थे तो उनको आइडिया नहीं था कि फूड कोर्ट सबसे टॉप पे बना हुआ है, तो मैंने उन्हें काफ़ी चलाया। वेल, हम लोग एलिवेटर से जा रहे थे बट स्टिल वो बार बार पूछ रहे थे भाई कब आएगा कब आएगा। तो यहाँ पर आ गए अभी हम लोग फूड कोर्ट में, और बहुत ही ज़बरदस्त सजाया हुआ था उन्होंने क्रिसमस की वजह से, और सारी शॉप्स अभी बस खुल रही थी लेकिन इतना रश नहीं था क्योंकि सुबह का ही टाइम था, तकरीबन 12:15 बजे थे। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड की प्यारी और कितनी मज़े की डेकोरेशन की हुई है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। 25 दिसंबर के लिए की हुई है, और आई डोंट नो वेयर इज़ माई फ्रेंड्स, कहाँ पर हैं ये लोग, कहाँ छोड़ के चले गए मुझे, मिल गई हैं जब मैं छोड़ कर पता नहीं कहाँ चली गई थी। एंड दे आर गिविंग ऑर्डर ऑन पिज़्ज़ा हट, और हम लोग बस इधर उधर घूमते रहे थे क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम था हमारा ऑर्डर आने में। और फिर मुझे यहाँ सामने डॉलर शॉप नज़र आ गई, जहाँ पर मैं कभी भी नहीं गई, और अब तो ट्रेंड ही हो गया डॉलर शॉप में, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुल रही है। और मौसम बहुत ही गजब का हो रहा था गाइस, मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊँ ना। फिर बस घूमते घूमते मुझे एक बड़े मज़े की जगह नज़र आ गई। तो अच्छा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग, होप यू गाइस आर गुड फाइन हैप्पी एंड हेल्दी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज है 21 दिसंबर, और आज मेरी बर्थडे है, और मैं बार बार और कितना बोल रही हूँ ना। और इस वक्त हम लोग आए हुए हैं डॉल्फिन मॉल में, और मेरी फ्रेंड्स जो है ना फिर और बोल दिया। एनीवेज, तो जब इंसान बात करता है तो उसके मुंह से ऐसे फ्रीक्वेंटली वर्ड्स निकलते रहते हैं। तो इस वक्त मैं आई हूँ डॉल्फिन मॉल में, और मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। तो ये यहाँ पर बहुत प्यारी डेकोरेशन हुई है क्रिसमस की, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो यहाँ पर है मेरे साथ मेरे हस्बैंड, तो देखिए अब ये लोग क्या करते हैं, लेट्स सी। और मैं तो यहाँ की डेकोरेशन देख रही हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पर क्लास के लिए हम लोगों ने क्लास ऑफ करने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ डॉल्फिन में, और अभी हम लोग करेंगे मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। मज़े का प्रीव्यू दिखाऊं, हैप्पी बर्थडे। बहुत सारी फ़ोटो क्लिक्स कर ली हैं ये इस स्लोगन के सामने खड़े होकर, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर। गाइज आई एम सो हैप्पी बिकॉज ये मेरी एक और बहुत ज़बरदस्त बर्थडे होने वाली है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी फ्रेंड्स ने मेरे लिए छोटू साइज केक भी लिया है यहाँ से पिज़्ज़ा हट से, क्योंकि सब कुछ बहुत ही सडन है, हम लोगों ने कोई प्लानिंग नहीं की हुई थी। और मेरे ब्लॉग्स भी आप लोगों को काफ़ी दिन से नहीं मिल रहे क्योंकि मैं कोई ब्लॉगिंग कर ही नहीं रही, तो हम लोगों ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया हुआ था। बस बहुत पहले लास्ट मंथ एक बात हुई थी कि अब मेरी बर्थडे आने वाली है तो वी विल सेलिब्रेट इंशाल्लाह। तो आज हम लोग क्लास के बाद जो है वो आ गए हैं बाहर बर्थडे सेलिब्रेट करने, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी फ्रेंड्स ने मेरे लिए कौन सा केक लिया है इस वक्त। आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड टू हैव सच ब्यूटीफुल फ्रेंड्स इन माई लाइफ। यस, दिस इज़ द केक, ब्यूटिफुल रेड वेलवेट चीज केक है ये आई थिंक, और ये मेरी फ्रेंड्स ने मेरे लिए लिया है, सो आई विल कट इट। ओके, हाँ कहाँ जाना चाह रहे हैं आप लोग, सामने, लेट्स गो। और रजी प्लीज मेरा बैग ले लें। हाँ, सो आई एम गोइंग टू शिफ्ट। दिस इज द मेन्यू। अच्छा, कौन सा पिज्जा लिया है आप लोगों ने, ये क्रीमी मेल्ट, और साथ में है ये गार्लिक ब्रेड, और ये है प्यारा सा छोटू सा रेड वेलवेट चीज केक आई थिंक। हाँ, तो और साथ में है ये कोल्ड ड्रिंक, सो वी आर गोइंग टू कट दिस केक एंड लेट्स स्टार्ट। हाँ आप कर लें, क्या करूं, बनाओ। ठीक है, मैं बनाओ, बस बनाना है मुझे, मुझे सिर्फ बनाना। हाँ, पहले काके हम गा लेते हैं। हाँ, पहले हैप्पी बर्थडे गाओ भाई। हैप्पी बर्थडे। अच्छा, मुझे सिर्फ क्लिक करना है सबक।
वीडियो बन रही है ना, देखो 1 2 3 लिखा हुआ है नीचे। हाँ क्या मतलब बन रही है? हाँ बन रही है वीडियो, मैं एडिट कर लूंगी। ओके चलो 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 लेट्स स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अच्छा अब ये खिलाते हुए कौन बनाएगा? पहले आप। मैं बोतल लेना। अभी बन गई। मेरा सिर्फ पहले हाथ ले ले, खैर हो गए। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड। कुछ नहीं खा रही है। मैं अपने फ्रेंड को बुलाऊंगी। क्या है, कुछ नहीं होता। थैंक यू सो सो सो। मैं ऑलरेडी खा रही हूं। कोई बात नहीं, तो खाने का बादाम भी कितने लगाए तबा नहीं रही ना। थैंक यू सो मच। अब हम लोग खाते हैं, अब हम लोग पिज्जा खाते हैं क्योंकि पिज्जा बहुत गर्मा गर्म है, बहुत घंटे का है, ठंडा हो जाएगा। और आपसे मिलती हूँ मैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। एंड गाइज, आई एम वन ऑफ द लकी पीपल जिनका बर्थडे खुद ब खुद सेलिब्रेट हो जाता है। जिस तरह मैं हर साल सोचती हूँ कि आई विल नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे, बट स्टिल किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई मौका आ जाता है और सेलिब्रेशन हो जाती है। वेल यहाँ पर हम लोग अभी पिज़्ज़ा वगैरह खा रहे हैं, और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि इफ़ यू आर सो ब्लेस्ड, इफ़ यू हैव सच काइंड पीपल अराउंड यू जो आपकी फ़िक्र करते हैं, आपकी खुशियों का ख्याल रखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पास भी कुछ चंद लोग मुख्तसर ऐसे हैं जितने मेरा और मेरी खुशियों का ख्याल है। हमेशा लाइफ एक जैसी नहीं रहती, अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन वक्त निकालना किसी के लिए इस सच में। मैकडोनल्ड के अलावा आज फिब्बी से चाय ट्राई की है। ओहो, मेरी दोस्त लेकर आ गई है, और ये फिब्बी टी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी है। प्लीज ओपन इट, प्लीज प्लीज ओपन इट, खुलेगा जरा। ये देखें किस कदर काली चाय फिब्बी वालों की यार, और फीकी भी। यार मैंने बहुत तारीफ सुनी थी इसकी। हाँ तो अच्छी तो है, मुझे तो शक्ल से देखने में इतनी अच्छी लगी, तुम लोग क्यों अच्छी नहीं लग रही? So guys, finally we are done, and thanks to my dear lovely friends. Look. Guys, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, हम लोग वापस जा रहे हैं और मैं आपसे मिलती हूँ घर में। तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर, और मैंने वापसी पर भी एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत प्यारे प्यारे और अपीलिंग से आर्ट पीस रखे हुए थे उन लोगों ने अकॉर्डिंग टू इवेंट। तो बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने बहुत सारी वीडियोज़ रिकॉर्ड करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा फ्रेम जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। और अब जो मैं क्लिप आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, दैट विल अमेज यू गाइस। क्या बनूंगी मैं, क्या बनूंगी मैं, रानी? और पहले मुझे दुआएं दो, जो मुझे दुआएं दी थी, पहले मुझे दुआएं दो। हाँ, तेरा सारा पैसा तेरा पास आता है। अल्लाह मैं मर जाऊं। तो ये हमें नीचे मॉल के दो छोटी बच्चियाँ मिली थी गाइस, इनकी एज हार्डली 5 ईयर्स और 6 ईयर्स होंगी, लेकिन इन लोगों की जो बातें थी वो बहुत ही मैच्योर लेवल की थी। और इन्होंने मुझे, जब मैंने वीडियो ऑन नहीं की थी तो इससे पहले मुझे इतनी बातें बोली थी, मुझे बहुत क्यूट लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं इन लोगों की भी छोटे सा क्लिप बना लेती हूँ। लेकिन इनकी बातें सुनकर मुझे और मेरे हस्बैंड को एंड लेवल की हैरानी हो रही थी कि कितनी एक्सपर्ट बच्चों को बना देते हैं छोटी सी एज में कि वो भीख मांगे। वेल बस क्या कर सकते हैं हम लोग इनकी मदद ही कर सकते हैं, और अल्लाह इन्हें हिदायत दे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। एक इतने अच्छे दिन के बाद ये देखिए हमारी बाइक ख़राब हो गई, और अब पंचर लगवाने के लिए हमें यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है, और कितना वेट करना पड़ेगा।